अस्सलाम वालेकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर नौशीबा सलमान एंड स्किन सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? आज हमेशा की तरह आपके साथ फिर दोबारा मुलाकात करने के लिए, और जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं और फिर मैं अपना टॉपिक जो है वो साथ साथ स्टार्ट करूँगी। जी तो ये बताएं कि रमज़ान शुरू होने वाला है, इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं और उसके बाद इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। तो ये बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां कर ली हैं, ठीक है? और क्या आप लोगों ने रखा है, क्या सोचा है कि इस रमज़ान में फिर हमने वही सब कुछ जो हम हर साल खाते हैं वो खा के अपना वेट बढ़ाना है, या फिर वेट बढ़ने नहीं देना बल्कि हमने लूज़ करना है। ये तो हम सबको ही पता है कि डीटॉक्सिफिकेशन का नाम हम सुनते रहते हैं और बहुत सुनते हैं। तो जो नेचुरल डीटॉक्सिफिकेशन है उसके लिए अल्लाह ने मुसलमानों को एक तोहफा दिया है जिसको हम रमज़ान कहते हैं, ठीक है? तो रोज़ा जब हम रखते हैं जिसको हम फास्ट कहते हैं, तो फास्टिंग से यानी कि रोज़ा रखने से जो फ़ायदे होते हैं वो इतने ढेर सारे हैं कि मेरे हाथ बाहर निकल गए, कैमरे में नज़र नहीं आएंगे, इतने सारे हैं। उन पर भी बात करेंगे और साथ साथ मुझे ये बताते जाएं कि आप लोग जो हैं आप लोगों ने रमज़ान की तैयारी क्या क्या की है और आपने क्या सोच के रखा है कि इस दफ़ा आप किस तरह का खाना जो है वो खाएंगे। क्योंकि जो खाना होता है वो कंट्रीब्यूट करता है 70-80% हमारे वेट लॉस में, वेट गेन में, कुछ भी आप कह लें, ठीक है, चाहे वेट लॉस है या गेन है। और जो 30% या 20% होता है उसमें एक्सरसाइज आती है, ठीक है? तो आप देख लें कि कितना बड़ा चंक है, बहुत बड़ा चंक होता है इससे रिलेटेड, या इससे उसमें ये चीज़ आती है कि हम खाते क्या हैं, और एक्सरसाइज की बारी जो है वो बहुत बाद में जाके आती है। चलिए जी ज्वाइन करते जाएं। इस्मा बिलाल ने ज्वाइन किया है, बाबू ने ज्वाइन किया है, सलमान अली ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मोमिन एजाज ने ज्वाइन किया है, और दरख्शंदे ने ज्वाइन किया है, ईजी नहीं इनाया ने ज्वाइन किया है, रिजवाना ने ज्वाइन किया है, और उसके अलावा आई एम सिद्रा 09 ने ज्वाइन किया है, और सुभान ने ज्वाइन किया है, ताबी आसिफ ने ज्वाइन किया है। जल्दी जल्दी ज्वाइन करते जाएं और फिर हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए क्या किया है। एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि क्योंकि दिल चाहता है ना, हमें आदत पड़ी हुई है कि हमने बाइट साइज चीज़ें खानी है। अब बाइट साइज आइटम्स जो हम बनाते हैं वो ज़्यादातर फ्राइड होते हैं, तो बस आपने एक काम करना है कि आपने फ्राइड आइटम्स को फ्राई नहीं करना, और उन्हीं आइटम्स को जो है वो आप बेक कर सकते हैं, और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप एयर फ्रायर में फ्राई भी कर सकते हैं। एयर फ्रायर में तो एयर जो होती है वही पकाती है, तो उसमें ऑयल जो है वो नहीं होता। वैसे ये है कि आप सॉटे करके भी खा सकते हैं, जैसे नॉन स्टिक पैन्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ हल्का सा टिश्यू से भी आप ऑयल लगा सकते हैं, या ब्रशेज आते हैं ब्रश से भी लगा सकते हैं, वैसे भी बिल्कुल ज़रा सा डाल सकते हैं। तो उसको डीप फ्राई करने की बजाय बहुत अच्छी बात है कि हम उसको डीप फ्राई ना करें और फ्राइड आइटम्स ना खाएं। और बाइट साइज खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, बट वो फ्राइड नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कैलोरीज का, वरना कैलोरीज ढेरों ढेर हो जाती हैं। आप कहेंगे मैं तो सिर्फ 2 पकौड़े 1 समोसा और फ्रूट चाट का आती हूँ, तो मेरा वेट क्यों नहीं कम हो रहा? मेरा वेट कम होना चाहिए, उसकी वजह बढ़ क्यों रहा है, ठीक है? तो जो क्या जो हमारी जो पोर्शन साइज होता है वो भी काउंट करता है, और जिस तरह से आपने खाना पकाया है वो भी काउंट करता है, सिर्फ आपने क्या पकाया है क्या खा रहे हैं वो काउंट नहीं करता, ठीक है? तो मैंने जो सोचा, मैंने खैर पिछले काफ़ी सालों से जो है वो मैं एयर फ्रायर में ही सारे के सारे आइटम्स जो है वो बनाती हूँ, और हम फ्राई नहीं करते हैं, और या फिर ये कि बेक कर लेते हैं, और पोर्शन साइज बहुत कम होता है। पोर्शन साइज कम करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, रोज़े तो रख ही रहे होते हैं, एंड यू कैन ईजिली रिड्यूस योर एक्स्ट्रा केजीज, ठीक है? चलिए जी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, और आज का टॉपिक है स्किन एंड रमज़ान, या फिर स्किन इन रमज़ान, ठीक है? होता ये है कि जब हम रोज़ा रखते हैं
तो रमज़ान शुरू होने से पहले अगर हमारी बॉडी जो है वो डेफिशिएंट ना हो, डेफिशिएंट ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन बी है, विटामिन डी है स्पेसिफिकली तो यही आते हैं, या फिर हीमोग्लोबिन है यानी कि एनीमिक हम ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें अगर पहले से ठीक हों और चेक्ड हों तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि फास्ट करने से यानी कि रोज़ा रखने से हमारी बॉडी की एनर्जी कम नहीं होती है, और उसके अलावा हमारी बॉडी अगर ऑलरेडी डेफिशिएंट होगी जिसमें ऑलरेडी कमी होगी चीज़ों की न्यूट्रिएंट्स की तो उसमें बहुत जल्दी आप निढाल होना शुरू हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो रोज़ा रख के कुछ कर ही नहीं सकता, कोई काम नहीं आप कर सकते और आप स्लीपी फील करेंगे, लेथार्जिक, वेरी मच लो ऑन एनर्जी फील करेंगे विच इज़ नॉट दैट गुड। रोज़ा जो है वो एक इनाम के तौर पे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अल्लाह ने हमें दिया है, मुसलमानों को एक तोहफे के तौर पे दिया गया है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है आपकी बॉडी को, आपके जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं वो सब कुछ जो है ये साफ कर देता है, धो देता है, और ये इसीलिए बहुत अच्छा है। तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ बनाए या हमें कुछ ऐसा करने के लिए कहे जिससे हमारी सेहत ख़राब हो? तो इससे बेसिकली तो सेहत बहुत अच्छी होती है और पूरे साल में इन 30 डेज में जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो किसी और तरीके से जो है वो बाकी 11 महीनों में नहीं हो सकती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें पहले ये चेक कर लेना चाहिए, जैसे रमज़ान से एक महीना पहले आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर खून की कमी तो नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन पूरा है। उसके अलावा आप ये ज़रूर चेक कर सकते हैं कि विटामिन बी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, वो कम तो नहीं है बॉडी में। इसके साथ साथ ये चेक कर सकते हैं कि विटामिन डी की कमी तो नहीं है, क्योंकि अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी होगी तो आपके लिए रोज़ा रख के सेहतमंद रहना या रोज़े रखते हुए सेहतमंद रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा कि ना सिर्फ आपकी बॉडी जो है वो लो इन एनर्जी होती है और थकावट महसूस करते हैं आप, या काम नहीं किया जाता, नींद बहुत आती है, उसके अलावा साथ साथ आपकी स्किन, आपका कॉम्प्लेक्शन, आपके बाल, आपको ये लग सकता है कि सब खराब क्यों होता जा रहा है, ईद भी आनी है और हमने सबसे मिलना है, तो फिर इस तरह की स्किन और इस तरह के बालों के साथ कैसे मिलेंगे। और एक और बात, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा ट्रिक होता है कि आप जो है वो एक ही प्लेट बनाएं, उसके अंदर अपने पोर्शन साइज जो है वो चेक कर लें, और उससे ये अच्छी बात होगी कि आपको पता होगा, एक चेक रहेगा कि आप कितना खा रहे हैं, आप कितनी कैलोरीज जो है वो क्या कहते हैं खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उसमें आप क्या क्या चीज़ खा रहे हैं ताकि आप बैलेंस्ड डाइट खा सकें। ज़्यादातर ये होता है कि अगर बॉडी पहले से डेफिशिएंट होती है तो फिर उससे ये होना शुरू हो जाता है कि आप बहुत जल्दी जो है वो लिथार्जिक हो जाते हैं, आप जो है वो अपने अंदर ताकत महसूस नहीं करते, और इसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है वो यही होती है कि या तो हम रोज़ा खोलने के बाद पानी पूरा नहीं पीते और इससे इंटर्न हमें जो थकावट होती है, उसके अलावा स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, और जब स्किन ड्राई होती है तो वो विदर्ड लगती है यानी कि मुरझाई हुई लगती है, अच्छी नहीं लगती, वो लग ही नहीं सकती, फ्रेश ही नहीं लगती। तो पानी को पूरा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास एक जो विंडो होती है वो होती है बेसिकली हमारे पास अवतार से लेके सहूर तक, अवतार से लेके सहूर तक जो है वो आपके पास दरमियान में काफ़ी घंटे होते हैं जिसमें आप बहुत सारा खाने की बजाय और सुस्ती महसूस करने की बजाय बहुत ज़रूरी है कि अपना पानी बॉडी में पूरा रखें ताकि आपकी हेल्थ तो अच्छी रहे ही रहे, उसके साथ साथ ये ना हो कि आपकी स्किन बहुत ड्राई, रूखी और विदर्ड लगती है। उसके साथ साथ बॉडी अगर डेफिशिएंट होगी तो फिर आपकी स्किन में आपको लगेगा कि मेरी स्किन में कोई ग्लो नहीं है, मेरी स्किन जो है वो मुझे डल लगना शुरू हो गई है, कलर या कॉम्प्लेक्शन भी ख़राब हो रहा है, बहुत डलनेस आ रही है और अच्छी नहीं लग रही है। तो आपको मैंने तीन चीज़ें जो बताई हैं ज़रूरी, जो कि आप चेक कर सकते हैं, और कोशिश करें कि रमज़ान से एक महीना पहले चेक करें, दैट इज़ योर हीमोग्लोबिन, दैट इज़ योर विटामिन डी लेवल्स एंड दैट इज़ योर विटामिन B12 लेवल्स और विटामिन D3। ये तीन चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जिनको अगर आप पहले चेक कर लेंगे तो आपको पता होगा कि अगर आपकी बॉडी में इन चीज़ों में से किसी चीज़ की कमी है तो आप उसकी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर लेंगे। Nevertheless, जब आप रोज़े रखना स्टार्ट कर लें तो फिर आप ख्याल रख सकते हैं कि आपको किस किस्म के मल्टीविटामिन्स या फिर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो खाने के अलावा अपनी रूटीन में रखने चाहिए ताकि आप रोज़े भी रखें, आपका वेट भी लूज़ हो, आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे और उसके साथ साथ आपकी स्किन भी फ्रेश रहे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत अच्छे एक मल्टीविटामिन्स जो हैं वो दिखा रही हूँ, ये चेक कर लीजिए, इसका नाम है नोवोफेन। सबसे अच्छी बात ये है कि इससे वो जो एक ऑडर आती है ना, मल्टीविटामिन की स्मेल आती है आपके फ्रेग्रेंस में,
सॉरी आपके ब्रेथ में वो बहुत गंदी लगती है और लोग अवॉइड इसीलिए करना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हर दफा सांस में इसकी इतनी गंदी खुशबू आ रही होती है कि वी डोंट वॉन्ट टू हैव इट, कि हम इसको खा लें और उसके बाद सारा दिन जो है ना वो इस तरह से फील हो। तो ये बहुत अच्छा है, इसको लेने के बाद आपके ब्रेथ में यानी कि आपके सांस के साथ कोई भी बदबू या दवाइयों की बदबू जो होती है मल्टीविटामिन की वो बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अब मैं आपको एक और दिखा रही हूँ, ये देख लें, ये भी बहुत अच्छा है और दोनों जो हैं वो कॉस्टली नहीं पड़ते बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों जो हैं ये बहुत अच्छे हैं, इन दोनों में विटामिन बी के ट्रेस एलिमेंट्स जो हैं वो भी हैं, थोड़ा सा विटामिन डी भी है, थोड़ा सा फोलिक एसिड भी है, उसके अलावा मैग्नीशियम है, जिंक है, सेलेनियम है, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो इसमें ये अच्छी चीज हो जाती है कि एक ही चीज आप ले लेंगे और उसमें आपको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि पानी की कमी की वजह से हमारी स्किन जो है वो हमें रूखी और बहुत ड्राई और बहुत विदर्ड मुरझाई लग सकती है। तो आपने ऊपर से क्या करना है, अब मैं आपको हाइलुरोनिक एसिड की क्रीम दिखा रही हूँ। इट्स ए वेरी नाइस क्रीम, क्योंकि ये इसलिए अच्छी है बिकॉज बहुत लाइट वेट है, आप लगाएंगे तो कोई चिपचिपाहट नहीं होगी, कोई इससे जो है वो आपको पिंपल्स नहीं बन सकते बिकॉज आपके पोर्स ब्लॉक नहीं करेगी। और उसके साथ साथ उसके अलावा क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है तो आपकी स्किन आपको ड्राई नहीं लगेगी, मुरझाई हुई और विदर नहीं लगेगी, बल्कि फ्रेश और प्लम्प लगेगी। तो मैं आपको डिफरेंट तरह के जो कंपनीज हैं और डिफरेंट तरह के फॉर्मुलेशंस दिखा रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड के। पहले मैंने ये दिखाया, अब मैं आपको ये सीरम फॉर्म में दिखा रही हूँ। बर्स्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, इससे एक शाइन, एक ग्लो आती है स्किन के ऊपर जो कि बहुत अच्छी लगती है। मैंने इस वक्त इसको लगाया हुआ है, मैंने इसको लगाया हुआ स्किन पे क्योंकि मैं रूटीन में लगाती हूँ। उसके बाद एक और आपको दिखा रही हूँ, ये भी हाइलुरोनिक एसिड है, 5% हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, ये सीरम फॉर्म में है। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ एक और, ये बड़ा अच्छा सीरम है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड है बल्कि उसके साथ साथ अल्फा एब्यूटीन भी है, तो उससे आपका कॉम्प्लेक्शन जो है वो बहुत अच्छा भी होगा और उसके साथ साथ साफ स्किन रहेगी और प्लम्प भी रहेगी और ड्राई और विदर नहीं होगी। अब मैं आपको दिखा रही हूँ विटामिन सी। जी हाँ, विटामिन सी जो है वो आपकी स्किन की, जैसे रोजा जो है वो आपकी इनर बॉडी जो है उसकी डीटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, उसी तरह से ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आप ऊपर से स्किन पे लगाएंगे तो उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा और आप ग्लो कर रहे होंगे, ईद पे आप ग्लो कर रहे होंगे, डल नहीं फील करेंगे। ठीक है, एक आपको ये फॉर्मुलेशन दिखा रही हूँ विटामिन सी की, ये वाटर बेस्ड है। एक और दिखा रही हूँ जो कि विटामिन सी ही है और वाटर बेस्ड है, क्योंकि ऑयली हो जाती है ज्यादातर स्किन्स जो हैं वो ऑयल सीक्रीट कर रही होती हैं गर्मियों के मौसम में, तो ये बहुत अच्छा है कि हम वाटर बेस्ड विटामिन सी यूज करेंगे ताकि आपकी स्किन जो है उसके पोर्स क्लॉग ना हो, उसके ऊपर दाने ना पड़े। ठीक है, अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे विटामिन सीज हैं, दोनों सीरम्स ये भी बहुत अच्छे हैं, बट ये जो है ये ऑयल फॉर्मुलेशन में है, तो जिन लोगों की स्किन मेच्योर है यानी कि बूढ़ी है या बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली ड्राई रहती है ही ड्राई स्किन, नॉट बिकॉज ऑफ रोजा, वैसे ही ड्राई स्किन है, तो वो लोग ये यूज कर सकते हैं। ये देखें, ये दोनों मैं आपको ऑयल बेस्ड विटामिन सी सीरम्स दिखा रही हूँ। ठीक है, तो आप देख लें, अगर पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई हैं कि आप इन चीजों को यूज करके अपनी स्किन को ऊपर से जो है वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मास्क होते हैं, फेशियल मास्क होते हैं, जिससे डायरेक्टली आपकी स्किन को जो है वो अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और आपकी स्किन जो है वो आपको ड्राई, विदर्ड और उसके अलावा डल नहीं फील होगी। ठीक है, और अब मैं आपके क्वेश्चंस पे आऊंगी। पानी जो है वो आपने पी के भी पूरा करना है और ऊपर से आपने हाइड्रेट रखने के लिए, मैंने आपको दिखाया है हाइलुरोनिक एसिड, तो दोनों तरह से जरूरत होती है। बॉडी के अंदर भी पानी पूरा रहना चाहिए और ऊपर से जब आप लगाएंगे तो फिर पूरी तरह से काम होगा। ठीक है, चलिए आपके क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर क्वेश्चंस। मुस्मानरिक कह रही हैं कि प्लीज शो द क्लियर पिक्चर। किस चीज की क्लियर पिक्चर दिखानी है आप, वो कह रही हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, मैं अभी फिर से दिखा देती हूँ एक दफा। आप पिक्चर लेना चाहते हैं तो प्लीज आप ले सकते हैं। ये देखिए, ठीक, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए,
आप पिक्चर ले सकते हैं, और जब लाइव जो है वो पोस्ट हो जाएगा आप तब भी पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। ये भी दिखा देती हूँ आपको जल्दी से, ये देखिए। उसके बाद ये देख लीजिए, ये दोनों भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और अब मैं आपको ये कैप्सूल फॉर्म में है, ये देखिए, और ये जो है ये टैबलेट्स की फॉर्म में है, ठीक है जी। मैंने फिर दोबारा आपको दिखा दिया है। उसके बाद अलीने खान ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मैल इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट सीरम फॉर ऑयली एंड एक्ने प्रोन स्किन विद स्कार्स। मैंने अभी आपको जो हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स दिखाए हैं वो सब आप यूज कर सकते हैं। स्कार्स वाली स्किन जो होती है वो थिन होती है, जल्दी अपना मॉइस्चर लूज करती है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। मैंने अभी आपको दिखाए हैं, जितने मैंने आपको हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स दिखाए हैं वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आई खान ऑफिशियल कह रहे हैं मैम माई स्किन इज सुपर ऑयली एंड एक्नी मार्क्स ऑन इट, कुछ भी लगाती हूँ स्किन डल हो जाती है, व्हाट कैन आई डू। आपने वाटर बेस्ड चीजें यूज करनी है। ये देखें, ये वाटर बेस्ड हाइलुरोनिक एसिड है, ये देखें, ये विटामिन सी से निशान भी जाएंगे और ये वाटर बेस्ड है। आपकी स्किन ऑयली नहीं होगी, आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन भी आपको पहले से बहुत ब्राइट और अच्छा लगेगा। ये भी विटामिन सी का वाटर बेस्ड सीरम है, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, निशान भी खत्म होंगे, स्किन ऑयली भी नहीं होगी, ठीक है, और डल नहीं लगेगी। कि लगाने के बाद अगर आपको डल लगता है तो वो नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर उस्मान तुफैल कह रहे हैं हाई फ्रॉम हजल एंड हादी, हाई टू हजल एंड हादी। मोहम्मद लुकमान 286 ने ज्वाइन किया है, उसके बाद रीत सिद्धू ने ज्वाइन किया है, सिद्रा मीर ने ज्वाइन किया है, इरम ने ज्वाइन किया है, साइमा ताहिर ने ज्वाइन किया है, नोमान आर्ट ने ज्वाइन किया है, S123 असलम ने ज्वाइन किया है, उरूज मलिक ने ज्वाइन किया है। अच्छा, अब असमा चौधरी 999 कह रही है ग्लूटाथायोन एंड वाइटामिन सी सहरी में ले सकते हैं। आपने सहरी में नहीं लेना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, आपने सहरी में नहीं लेना। आपने सहरी से एक घंटा पहले, जब आपने कुछ नहीं खाया हो और 5-6 घंटे गुजर चुके हो, आप सहरी से एक घंटा पहले लेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नुत्रत चौधरी कह रही है प्लीज रेकमेंड आई क्रीम फॉर डार्क सर्कल्स। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, कुड यू प्लीज ब्रिंग दैट आई क्रीम, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी है अगर आपकी स्किन जो है उसमें कोई लाइंस नहीं है, फाइन लाइंस नहीं है, आपको सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो डार्क सर्कल्स का है, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकती हैं। ये देखें, एक तो ये इतनी क्यूट है कि इसको देख के मुझे वैसे इतना अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखें, डार्क आउट आई क्रीम इसका नाम है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि डार्क सर्कल्स को ठीक करना थोड़ा ट्रिकी होता है और टाइम टेकिंग होता है, बट इट्स रियली नाइस। आप ये यूज कर सकती हैं, दिन में 2 दफा यूज करें, अराउंड आईज, पूरी आईज के अराउंड यूज करें, एक दफा मॉर्निंग में, एक दफा नाइट में। उसके बाद मैल इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं दी ऑर्डिनरी का नायासिनामाइड सीरम कैसा है। देखिए, आई एम अ डॉक्टर, मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बताऊंगी, मैं आपको ओवर दी काउंटर मिलने वाली मेडिसिन नहीं बताऊंगी, ठीक है। साइलेंट 144 कह रहे हैं प्लीज सजेस्ट मी फॉर हाइपर पिगमेंटेशन ऑन फेस। हाइपर पिगमेंटेशन के लिए भी आप वाइटामिन सी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है टायरोनेस प्लस, मैंने पहले आपको बताई भी हुई है, दिखाई भी हुई है, टायरोनेस प्लस बहुत अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि मॉर्निंग में वाइटामिन सी को यूज करें, और वो आप दिन में 2 दफा भी लगा सकते हैं, और कोशिश करें कि खाली पैचेस के ऊपर लगाएं, फुल फेस पे शुरू में ना लगाएं। जब पैचेस लाइटन अप होना शुरू हो जाएं तो फिर आप फुल फेस पे लगाएं। नेवरदलेस मॉर्निंग में विटामिन सी के साथ सनब्लॉक मस्ट है, सनब्लॉक तो जरूर लगाना है, मगरिब तक आप उसको बार बार रीअप्लाई करें। उसके बाद रात को लगाने के लिए आप पैचेस के ऊपर जहां पे पिगमेंटेशन है वहां पे आप टायरोनेस प्लस लगा सकते हैं। मैं आपको ऐसी चीजें बताने की कोशिश करती हूँ जो ओवरऑल जब मैं आपको बताऊं और कोई भी यूज करे तो उसे यूज करने में परेशानी ना हो, क्योंकि आपकी स्किन को तो नहीं देखा, तो मैं इन जनरल बता रही होती हूँ। अरीच फलक ने ज्वाइन किया है, अलीनास कह रही है प्लीज सजेस्ट सम रैपिड ट्रीटमेंट फॉर डार्क नकल्स। डार्क नकल्स की कोई रैपिड ट्रीटमेंट नहीं होती है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ नकल्स के ऊपर जो है, आप दूसरा भी देते हैं, उसमें मैं आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ।
ये देखें, एक आपको ये दिखा रही हूँ, ये आप रात में लगाएं और सिर्फ खाली नकल्स पे लगाएं, आपने हैंड्स पूरे हैंड्स पर नहीं लगाने, ठीक है। एक और ऑप्शन ये है, ये भी आप जो है वो सिर्फ खाली डार्क नकल्स पे लगाना शुरू करें रात के टाइम, आपने फुल हैंड्स के ऊपर नहीं लगाना। जब आपके नकल्स बेहतर होना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आप पूरे हाथों पे लगा सकते हैं या पूरे पांव पे लगा सकते हैं रात को, ठीक है। टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड इट्स नॉट नेसेसरी। मैंने आपके नकल्स नहीं देखे कि आपके नकल्स पे प्रोसीजर रिक्वायर्ड है या नहीं, ये तो मैं चेक करने के बाद ही बता सकती हूँ, लेकिन बहरहाल आप लगाएं जरूर, कम अज कम वो ज्यादा नहीं होने देगा और कुछ बेहतर भी कर देगा थोड़े टाइम में। एमन अंसाम ने ज्वाइन किया है, नुमान आर्ट कह रहे अकॉर्डिंग टू समर कोई सनब्लॉक बता दे। जी मैं नेक्स्ट सेशन जो करूंगी वो मैं इसी पे रखूंगी कि जो समर सीजन में आप डिफरेंट तरह के सनब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं अभी आपको एक दो बता देती हूँ। सोलो टैन बहुत अच्छा है, सन टैन बहुत अच्छा है, ये आप यूज कर सकते हैं। इनकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो कि ऑयल को ज्यादा करे या ऑयली स्किन वालों को तंग करे या पिम्पल्स दे, ठीक है। मोहम्मद लुकमान कह रहे हैं ब्यूवल का सनब्लॉक यूज कर सकते हैं, रिजल्ट सही है, ब्यूवल का सनब्लॉक अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। आयशा 11779 ने ज्वाइन किया है, इकरा जावेद ने ज्वाइन किया है, अलीनास कह रही हैं इस डार्क नकल्स हैव लिंक टू डिजीज एंड डिसऑर्डर, मोस्ट लाइकली नो, ठीक है। अगर कोई डिजीज होती है तो उसमें सिर्फ खाली नकल्स डार्क नहीं होंगे, उसमें और इंडिकेशंस और साइट्स भी डार्क होती हैं, ठीक है। जैसे अगर एडिसन्स डिजीज है तो उसके अंदर ये होता है कि उसके अंदर जो है वो आपके गम्स पे भी पिगमेंटेशन होगी और जितने भी आपके अंडर आर्म्स अंडर लेग्स हैं या आपके जो ऐसे पार्ट्स हैं प्राइवेट पार्ट्स हैं वहां पे भी होगी, बैक ऑफ नेक और उसके बाद जो अपर पोर्शन ऑफ योर क्या कहते हैं बैक है वहां पे भी पिगमेंटेशन होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से नहीं हो सकता कि सिर्फ नकल्स डार्क हैं तो वो इंडिकेशन ऑफ ए डिजीज होगा, मोस्ट लाइकली नहीं होगा। फातिमा इफ्तार ने ज्वाइन किया है, सादिया खान ने ज्वाइन किया है, खालिक 566 ने ज्वाइन किया है, बुखारी 148 कह रही है स्किन बैरियर के लिए कोई क्रीम बता दे प्लीज। स्किन बैरियर्स को बेहतर बनाने वाले जो मॉइस्चराइजर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, मैं दिखाती भी रही हूँ, मैं अभी नाम ले लेती हूँ। इसमें आप रियल बैरियर यूज कर सकते हैं, इसमें आप एटोफार्म यूज कर सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आप रिवाइवॉन यूज कर सकते हैं या फिर फार्मा सीरीज की जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम है विद सेरामाइड्स आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मोहम्मद लुकमान कह रहे हैं आईज के पास फाइन लाइन्स के लिए क्या यूज करें। फाइन लाइन्स के लिए हाइलुरोनिक एसिड बेस्ट होता है, हाइलुरोनिक एसिड जो है वो आप लगाना शुरू करें तो फाइन लाइन्स आपको बेहतर लगे, ठीक है। एमन कह रही है कैन आई यूज डार्क सर्कल क्रीम विद विटामिन सी सिरम, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले सिरम लगेगा उसके ऊपर आप क्रीम लगा लेंगे, एक दफा सुबह कर लें एक दफा रात में कर लें। जेब मलिक कह रही है सजेस्ट गुड सनब्लॉक, बहुत सारे सनब्लॉक्स हैं जेब मलिक, और नेक्स्ट जब मैं करूंगी अपना लाइव तो मैं सिर्फ सनब्लॉक्स पे करूंगी, वैरायटी ऑफ सनब्लॉक्स आपको दिखाऊंगी ताकि डिफरेंट स्किन टाइप्स वाले जो हैं वो बहुत इजीली कंफर्टेबली जो है वो सनब्लॉक चूज करें और लगा सकें, क्योंकि सनब्लॉक लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन आप पूछ रही हैं तो मैं आपको कुछ नाम ले देती हूँ, प्रोवामेड का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, फार्मासीरीज का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, फिर सन टैन और सोलो टैन का नाम मैंने लिया है, ये भी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। हीलियो केयर का सनब्लॉक बहुत अच्छा है, शाइनिंग स्टार ने ज्वाइन किया है, स्किन केयर बाय एजी ने ज्वाइन किया है, आदि अब्दुल ने ज्वाइन किया है, शाइनिंग स्टार कह रहे हैं प्लीज लेट मी नो फॉर हैंड रिंकल एंड पिगमेंटेशन। जो हाइलुरोनिक एसिड के क्रीम्स हैं, जैसे मैं नाम ले रही हूँ रिवाइवॉन या फिर रीडिफाइन क्रीम्स, ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ेंगी बट ये हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड हैं, तो ये आपके फाइन लाइंस ऑफ हैंड्स को बेहतर करने में हेल्प करेगी। इनको 2 से 3 दफा आप लगा सकते हैं, बट 2 दफा रखें, एक दफा सुबह और एक दफा रात में, और आप इसके साथ साथ हल्का सा मसाज जरूर करें, क्योंकि जब आप मसाज करेंगे 1-2 मिनट के लिए तो उससे एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगी और आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब पिगमेंटेशन का मुझे पता नहीं है, आई थिंक सन स्पॉट्स होंगे, अदरवाइज तो हैंड्स के ऊपर एज सच पिगमेंटेशन मुश्किल ही होती है, तो अगर सन स्पॉट्स हैं तो उसमें मोस्ट लाइकली आपको प्रोसीजर रिक्वायर्ड होगा, वो लगाने वाली चीजों से यूजुअली नहीं जाता। रुबैका तारिक ने ज्वाइन किया है, उसके बाद मंजू चौहान ने ज्वाइन किया है और वो थैंक्स कह रही हैं,
साइमा ताहिर ने ज्वाइन किया, वो कह रही है डॉक्टर प्लीज मेंशन द नेम अगेन फॉर द क्रीम दैट यू रिकमेंडेड फॉर हाइपरपिगमेंटेशन, टायरोनेज प्लस क्रीम, सिर्फ रात को सिर्फ अपने पिगमेंटेड स्पॉट्स पे लगाने, ठीक है, और डे टाइम में आप सनब्लॉक लगाएंगे। आप जब अभी ये पोस्ट हो जाएगी ना, जो लाइव वीडियो है, जब ये पोस्ट हो जाएगी तो आप आराम से सुन के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। निमरा जुबैर ने ज्वाइन किया है, उसके बाद जेब मलिक फाइव कह रही गुड मॉइस्चराइजर फॉर समर्स, इतने सारे दिखाए हैं मैंने आपको जेब, ये देखें जबरदस्त वाले मॉइस्चराइजर्स दिखाए हैं, ये देखें ये, अब आप इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं जब लाइव खत्म हो जाएगी वीडियो और पोस्ट लग जाएगी तो आप इनकी वीडियोस वो पिक्चर्स ले सकते हैं। नुमान आर्ट कह रहे हैं नॉर्मल स्किन के लिए मॉइस्चराइजर बता दें अकॉर्डिंग टू समर्स, मैंने जो आपको दिखाया है ये नॉर्मल स्किन वाले तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। जवाब्स ने ज्वाइन किया है, रहीम मलिक ने ज्वाइन किया है, हादी अब्दुल कह रहे हैं अच्छा मॉइस्चराइजर बता दें ऑयली स्किन के लिए भी ड्राई के लिए भी, ये जो मैंने आपको दिखाए हैं ना ये मॉइस्चराइजर्स ही हैं, ये आप यूज कर सकते हैं, ये दोनों सीरम फॉर्म में है, ये जो है ये क्रीम फॉर्म में है, और ये जो है ये अगेन सीरम फॉर्म में है, ठीक है, ये आप बहुत आराम से यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इस्माइल ताज ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर इकरा अली ने ज्वाइन किया है, और आयशा चौधरी ने ज्वाइन किया है। उसके बाद बुखारी 148 कह रहे हैं BHA टोनर इज बेस्ट फॉर स्किन, देखें जो AHA BHA के टोनर्स होते हैं ना वो हर स्किन टाइप के लिए नहीं होते और आप उनको हर वक्त यूज नहीं कर सकते, इसलिए जब तक आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब ना करे आप यूज ना करें, AHA BHA वाले टोनर्स की बात करें। नुमान आर्ट कह रहे हैं फॉर इवन स्किन टोन आई यूज मिलानो रेटिनॉल सीरम, इट्स वेरी गुड रिजल्ट, थैंक यू मैम, यू आर वेलकम। और आप लोग जब आप लोगों की स्किन अच्छी होती है ना तो मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है ऑटोमेटिकली ग्लो आ जाता है क्योंकि खुश हो जाते हैं ना आप, मूड अच्छा हो जाता है उस वजह से। एमी हानी ने ज्वाइन किया है, उसके बाद जान फरूख ने ज्वाइन किया है, उसके बाद तूबा मलिक कह रही है फ्रैकल्स के लिए प्लीज, फ्रैकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे डॉट्स, छोटे छोटे मोल्स की तरह होते हैं, फ्रैकल्स और मेलास्मा या पिगमेंटेशन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। आप किसको फ्रैकल्स कह रहे हैं मुझे नहीं पता, बिकॉज यूजुअली लोग जो है वो उल्टा बोल रहे होते हैं, उनको वो फ्रैकल्स जो है वो मेलास्मा को कह रहे होते हैं। नेवरदलेस जब मैंने आपको ये जो मैंने आपको वाइटामिन सी के सीरम्स दिखाए हैं, वाइटामिन सी के फॉर्मुलेशन दिखाए हैं, वाइटामिन सी तो स्टार्ट करिए ना, वैसे तो आपको दिखा लेना चाहिए डॉक्टर को, लेकिन आप वाइटामिन सी के फॉर्मुलेशन जो मैंने दिखाए हैं उनमें से कोई भी स्टार्ट कर लें, और उसके साथ साथ लगाने के लिए जो है वो डे टाइम में सनब्लॉक जरूर रखें। उसके बाद नमान आर्ट नहीं, उसके बाद आई खान कह रहे हैं लिप पिगमेंटेशन और डार्क लिप्स के लिए, और डार्क लिप्स को ठीक करना मुश्किल होता है, यूजुअली हमें उसके लिए प्रोसीजर ही करना पड़ता है। क्या करते हैं डार्क लिप्स के लिए जो है वो मीजोथेरेपी भी की जाती है, यानी कि मेडिसिन को इंजेक्ट कर देते हैं डार्कर एरिया या डार्कर पोर्शन पे, उसके कुछ सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके साथ साथ जो है और हम क्या करते हैं, हम लेजर भी यूज करते हैं, एंटी पिगमेंट्री लेजर जो होता है वो भी यूज करते हैं, ठीक है। और करवाए बगैर डार्क लिप्स ज्यादातर ठीक नहीं होते, ठीक है। नुमान आर्ट कह रहे हैं कि थैंक यू मैम बहुत अच्छा गाइड करती हैं, यू आर वेलकम। अरसलान फोर खान कह रहे हैं बेस्ट टिप्स फॉर हेल्दी हैंड्स एंड फीट इन समर्स स्पेशली फॉर कराची आइट्स, इट्स एक्सट्रीमली हॉट नाउडेज इन कराची, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। इतनी कोई गंदी वाली गर्मी होती है कि, और साथ में वो वैसे ही क्रीक है, यानी कि जो है वो सी साइड है, और आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो सनलाइट की जो रेज है वो और भी ज्यादा हार्श हो जाती है। अभी मैंने आपको दो तीन जो है वो चीजें दिखाई थी लगाने के लिए, ये आप रूटीन में अगर लगाया करेंगे डेली रात को तो आप देखेंगे कि आपके हाथ पांव बहुत अच्छे रहेंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, और ये भी फिक्र नहीं करनी पड़ेगी कि ओपन सैंडल्स कैसे पहनेंगे गर्मियों में, जिसमें जो आपके पांव हैं वो खराब भी ना हो या हाथ पांव बुरे भी ना लग रहे हों, और वैसे हम पहनना भी चाहते हैं क्योंकि गर्मियों का ये एक होता है कि गर्मियों के सीजन में हम सैंडल्स पहनना एंजॉय करते हैं और पहनना चाहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, दो तीन फॉर्मुलेशन मैंने आपको दिखाई थी, वो आप यूज कर सकते हैं, तो वो आप लगाएं, रोज रात को लगाएं, उससे बहुत अच्छी मेंटेनेंस हो जाएगी। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि मैंने अभी जब दिखा दिया था, तो जब ये पोस्ट हो जाएगी लाइव तो आप उसके पिक्चर्स ले सकते हैं, ठीक है।
साइमा ताहिर कह रही हैं, कुड यू प्लीज सजेस्ट वेज टू अवॉइड एंड गेट रिड ऑफ मास्क एक्नी कॉज्ड बाय मास्क, ठीक है, यानी कि एक्नी कॉज्ड बाय मास्क, जिसको हम मास्क एक्नी कहते हैं, उसकी बात हो रही है। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपने क्लिंजिंग करनी है डेली, फेस वॉश के अलावा क्लिंजिंग बहुत जरूरी है, आप दो दफा भी कर सकते हैं, सुबह और रात में, ठीक है, या जब बाहर से आए तो तब कर लें अगर आपको नहीं करना चाहते। और बहुत जरूरी चीज ये है कि आपका मेकअप ऐसा ना हो जो आप लगा रहे हैं, या आपका मॉइस्चराइजर ऐसा ना हो जो कि पोर्स को क्लॉग कर रहा है, ठीक है, आपने जो भी चीज यूज करनी है वो पोर्स को क्लॉग करने वाली नहीं होनी चाहिए, और फ्रिक्शन ना मिले, यानी कि मॉइस्चराइज्ड होनी चाहिए स्किन, जब वो मॉइस्चराइज्ड होगी तो जो आपको फ्रिक्शन मिलती है वो फ्रिक्शन मिलना बंद हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी, तो एक्ने होना बंद हो जाएगी। बट जो की है वो क्या है कि आपने कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करना, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, चाहे वो कोई और चीज हो, और उसके साथ साथ आपने क्लिंजिंग जरूर करनी है, तो फिर मास्क एक्ने नहीं होगी। अच्छा, आई खान कह रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम, आपकी प्रोडक्ट्स पहले भी यूज की हैं एंड इट्स अमेजिंग मैम, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। हमें और क्या चाहिए, अगर आपको जो है हम कोई चीज देते हैं और उससे आपको फायदा होता है और आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आप हेल्दी रहते हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जी। तो अब रोजे जो है वो शुरू होने वाले हैं और हमने आज रोजों के हिसाब से कुछ स्किन और के लिए टिप्स जो है उनको डिस्कस किया है, इसके साथ साथ मैंने कुछ खाने पीने के टिप्स भी आपके साथ जो है वो डिस्कस किए हैं। तो आपने इसको अपनी बॉडी को खराब नहीं होने देना, आपने उसको हेल्दी करना है, क्योंकि रोजे हमें इसीलिए दिए गए हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन हो पूरे साल के लिए और बॉडी पहले से हेल्दी हो, ना कि बॉडी जो है वो मोटी होके और पहले से भी ज्यादा खराब हो जाए। ये मैं शेप वाइज या वेट वाइज नहीं कह रही सिर्फ वाली, मैं हेल्थ वाइज ही कह रही हूँ, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और आपको जो जो प्रोडक्ट्स देखने हैं उनके नामों में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अभी जब ये पोस्ट लग जाएगी और ये पोस्ट अपलोड हो जाएगी तो आप उनकी पिक्चर्स भी ले सकते हैं दोबारा से देख के वीडियो को, और अगर नाम नोट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, और इंशाल्लाह अब आपसे रमजान में मुलाकात होगी, तो बहुत जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह रमजान में। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।